भगवत पुराण की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं श्रीमद् भगवत पुराण की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। करो इसका सब रसपान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रसपान। भक्तों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिस कथा को 7 दिन श्रवण करने मात्र से हर प्राणी प्रभु श्री हरि के चरणों में स्थान पाता है। तो आइए आज हम श्रीमद् भागवत पुराण का रसपान कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। पुरा काल में ऋषि मुनियों ने एक थी सभा बुलाई, कलयुग में मानो की खातिर थी तब बात चलाई। अल्प आयु और मंद बुद्धि का मानो होगा, आलस शोक और अनेक रोग ग्रस्त होगा। करी मंथन फिर तो ऋषियों ने इसका हल है निकाला, कलयुग में श्री कृष्ण की गाथा ही होगी प्रतिपाला। सभी ही ऋषियों ने सूत जी से है किया अनुरोध, कर कृपा हम कृष्ण की लीलाओं का करा दो बोध। सूत जी फिर ऋषियों के आगे बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। करो इसका सब रसपान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रसपान। ऋषियों का अनुरोध स्वीकार कर सूत जी बोले कि मनुष्य का दार्शनिक होना सबसे बड़ा रहस्य है। जिस मनुष्य को तत्व ज्ञान हो जाता है वह आत्मा परमात्मा की एकता की अनुभूति करता है। इस अनुभूति को उपनिषदों में ब्रह्म ज्ञान, पुराणों में ईश्वर बोध स्वीकारा है। यह ज्ञान श्री हरि की कृपा से संभव है। सूत जी कहते हैं, ईश्वर को जो प्रसन्न करता है वह उन्हें पा लेता है। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री हरि। भक्ति से ही फिर तो मानव ज्ञान को पाता है, ज्ञान से ही इस भव सागर से नर तर जाता है। सभी शास्त्र नारायण को सर्वोपरि है बतलाते, देव पशु पक्षी नर दानों में हरि रम जाते। बोले सूत जी श्री विष्णु के 24 हैं अवतार, 16 कलाएं लेके धरा पे आए पालनहार। सृष्टि की रचना कर योग निद्रा में लीन हुए, उनकी नाभि से फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। फिर विष्णु जी सृष्टि की रचना कर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। करो इसका सब रसपान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रसपान। जय श्री हरि। भक्तों,
सूत जी ने सोन का दी ऋषियों को श्री हरि के 24 अवतारों का विस्तार से गुणगान सुनाने के बाद कहा कि जिस प्रकार स्त्रोतवान सरोवर से असंख्य नदियां निकलती हैं, उसी प्रकार प्रभु के अवतार होते हैं। प्रभु की लीला अनंत है, जिसे दार्शनिक लोग ही समझ सकते हैं। तभी सोनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, आइए देखते हैं। जय जय श्री हरि। श्रीमद् भगवत पुराण की रचना किस युग किस परियोजन, राज लक्ष्मी त्यागी परीक्षित ने क्यों किस कारण, श्री सुखदेव परीक्षित जी का कैसे मिलन हुआ, सुखदेव ने राजा को फिर कैसे उपदेश दिया। बोले सूत जी कलयुग ने अपना था रूप दिखाया, देख के कलयुग को धर्म का था मन घबराया, देख के आगम व्यास ने तब की वेदों की रचना, पांचवा महाभारत रच के दिया योगदान अपना। के उदास व्यास सरस्वती तट पर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, करो इसका सब रसपान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रसपान। जय श्री हरि। भक्तों, भगवान विष्णु के अंशा अवतार वेद व्यास को उदास बैठा देख वहां पर नारद जी आ जाते हैं। नारद जी उनकी उदासी का कारण बताते हुए बोले, हे व्यास जी, प्रभु की भक्ति और महिमा के बिना काव्य अर्थहीन होता है, अतः आप विष्णु जी को आधार मानकर रचना कीजिए, आपको अवश्य आनंद की प्राप्ति होगी। तभी नारद जी विष्णु की महिमा और भक्ति के विषय में अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगते हैं। जय श्री हरि। बोले नारद, हे व्यास जी सुनो बात धरी ध्यान, मैं एक दासी का पुत्र था निर्धन और अज्ञान, फिर मैंने ऋषियों से सुने थे कृष्णा के गुणगान, करता बस मैं कृष्ण की भक्ति कुछ ना रहा था ध्यान, तन की सुध मैं खो बैठा था कृष्ण की भक्ति में, बन बैठा निर्मोही सदा ही कृष्ण की भक्ति में, माँ के प्रेम से खुद को झलना कर पाया था, दशा सर्प ने माता को मोह मुक्त कराया था, निकल के हम फिर तप करने वन को आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, करो इसका सब रसपान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रसपान। मेरे तप से प्रसन्न हो श्री हरि ने मुझे दर्शन दिए, मैं उनका रूप देखकर चकित रह गया और मेरे नैनों से आनंद रूपी नीर बहने लगा। अब मैं पुनः फिर से दर्शन का अभिलाषी हो गया था, परंतु वो अद्भुत दर्शन फिर नहीं हुए, मैं व्याकुल हो उठा। मेरी व्याकुलता देख हरि ने मुझे निरंतर साधु सेवा का आदेश दिया और मैंने वैसा ही किया। जय श्री हरि। एक दिन नारायण ने मुझको दिया एक वरदान, अगले जन्म में सिद्ध योगी बन पाओगे ज्ञान, थोड़े समय के बाद मुझ पर बिजली आन गिरी, नष्ट हो गया था तन मेरा, कृपा हरि की मिली,
सांस से द्वारा प्रभु उदर में मैं तो चला गया। सहस्त्र युगों के बाद मरीची संग मेरा जन्म हुआ। अखंड ब्रह्मचारी का मुझे फिर मिला प्रभु वरदान। तब से अब तक रोज हूँ करता हरि का मैं गुणगान। प्रभु की मर्जी से हम तो ये बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। किसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो इसका सब रस पान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रस पान। भक्तों जय श्री हरि। फिर व्यास जी ने नारद के मुख से विष्णु महिमा सुनकर माया से मुक्ति दिलाने वाला भक्ति ग्रंथ श्रीमद् भागवत कथा पुराण की रचना की। महाभारत युद्ध के अंतिम रूप में जब अश्वत्थामा को पता चला कि भीम ने दुर्योधन की जांघ काट दी, तो उसने बदले के रूप में क्रोध में आकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। यह देख द्रौपदी व पांडव शोकाकुल हो गए। फिर क्या हुआ आइए देखते हैं कथा के माध्यम से। जय श्री हरि। अश्वत्थामा को पकड़ने का अर्जुन ने प्रयास किया। उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला है दिया। कृष्ण की कृपा से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र नष्ट किया। गर्भवती उत्तरा पर उसका गहरा असर हुआ। अश्वत्थामा को पकड़ के फिर तो सैनिक है लाए। दंड दीजिए द्रौपदी इसको पांडव बतलाए। माँ की ममता शोक में व्याकुल सब कुछ भूल गई। माफ किया गुरु पुत्र मान दिख अश्वत्थामा बंदी। श्री कृष्णा फिर अपनी द्वारिका जाना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो इसका सब रस पान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रस पान। जय श्री हरि। भक्तों श्री कृष्ण द्वारिका जाने को पांडवों से अनुमति लेते हैं। तभी अचानक उत्तरा के पेट में पीड़ा होने लगती है। यह देख कृष्ण रुक जाते हैं। कुछ समय पश्चात उत्तरा को मृत बालक प्राप्त होता है, जिसे श्री कृष्ण जीवित कर देते हैं और पांडवों का वंश बचा लेते हैं। तभी आए हुए पंडितों ने बालक के विषय में भविष्यवाणी की। यह बालक शालीन, क्षमाशील, सत्यभाषी तथा कलियुग को पकड़ने वाला आदि गुणों वाला होगा और श्रृंगी ऋषि के श्राप से अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा तथा सुखदेव से आत्मज्ञान प्राप्त कर मुक्ति को पाएगा। जय श्री हरि। जय श्री कृष्णा। बोले पंडित इस बालक का नाम परीक्षित होगा। गर्भ से ही कृष्ण भक्ति का पहला बालक होगा। कृष्ण की महिमा देख के कुंती ने आभार किया। उचित समय पर भीष्म जी ने तन को है त्याग दिया। धृतराष्ट्र और गांधारी तप करने वन आए। युधिष्ठिर ने तो भेद कृष्ण के अर्जुन को बतलाए। परम धाम गए श्री कृष्ण, यदुकुल का नाश हुआ। सुन कर के ये कष्टी वाणी सबको कष्ट हुआ। सभी ही पांडव देह त्यागने पर्वत जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। इसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, करो इसका सब रस पान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रस पान। जय श्री हरि। सभी पांडव अपना शरीर त्यागने हिमालय चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात परीक्षित उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह कर जनमेजय आदि चार पुत्रों को प्राप्त करते हैं। एक बार राजा परीक्षित दिग्विजय यात्रा पर जा रहे थे, तभी उन्होंने क्या देखा, एक पैर वाला एक बैल जो धर्म था, एक अति दुर्बल गाय जो पृथ्वी थी, दोनों रो रहे थे। एक सूत्र जो कलयुग था, राजा के भेष में उन दोनों पर चाबुक से पीट रहा था। आइए कथा के माध्यम से आगे क्या होता है आप सभी को बताते हैं। जय श्री हरि। देख के ये अन्याय राजा तभी है बोल पड़े, रुक जाओ ये क्या करते हो, उस पे अकड़ है पड़े। क्यों करते अन्याय है, मानो कौन हो कहाँ रहते, क्या परिचय है आप सभी का, क्या तुमको कहते। बैल ने बोला धर्म मेरा जन जो मिट जाएगा, गाय ने बोला मैं पृथ्वी हूँ कलयुग आएगा। जान के सच सारा राजन ने है संकल्प लिया, तेरा हम कर देंगे खात्मा, धनुष है हाथ लिया। तभी शूद्र फिर राजा के चरणों गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, करो इसका सब रस पान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रस पान। जय श्री हरि भक्तों। तभी कलयुग राजा के चरणों में गिरकर भीख मांगने लगता है। राजा बड़े दयालु थे, उसे अभय दान दे देते हैं। तभी कलयुग ने राजा को अपना वास्तविक परिचय दिया। यह सुन राजा ने उसे अपने राज्य से चले जाने का आदेश दिया। वह राजा से विनती करता है, तभी राजा उसे रहने को चार स्थान देते हैं, मदिरा, जुआ, व्यभिचार और हत्या। तभी उसने राजा से अन्य स्थान की प्रार्थना की। तभी परीक्षित उसे स्वर्ण में रहने को बोल देते हैं। फिर क्या था, वह राजा के मुकुट में प्रवेश कर जाता है। आइए आगे क्या होता है कथा के माध्यम से बताते हैं। जय श्री हरि। पाकर फिर स्थान स्वर्ण का, मुकुट में जा पहुंचा, घूम गई मति राजा की, ना समझे बुरा अच्छा। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने जाते हैं, हाथ नाती कोई शिकार, वो थक ही जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक आश्रम आए, ऋषि समीक तप में लीन, ना स्वागत कर पाए। इस व्यवहार को राजा ने फिर समझ लिया अपमान, कलयुग के प्रभाव से राजा को ना रहा था ज्ञान। करके खुद जलपान भूप विश्राम को जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। इसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, करो इसका सब रस पान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रस पान।
जय श्री हरि भक्तों, राजा स्वयं जलपान करके एक वृक्ष के नीचे छाया में विश्राम करने लगते हैं। ऋषि लंबी समाधि में थे तो उन्हें राजा के बारे में कुछ ज्ञात ना हुआ। काफी प्रतीक्षा करने के बाद राजा ने सोचा ऋषि जानबूझ उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। इस बात से क्रोध में आकर राजा ने पास मरा पड़ा सर्प उठाकर ऋषि के गले में डाल लिया, लेकिन फिर भी ऋषि की समाधि नहीं टूटी। राजा के इस दुस्साहस से ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंगी ने क्रोध में आकर गंगा जल हाथ में लेकर राजा परीक्षित को आज से सातवें दिन सर्पराज तक्षक के डसने से मृत्यु का श्राप दे दिया। जय श्री हरि। ऋषि पुत्र ने राजा को फिर दिया मृत्यु का श्राप, सातवें दिन तक छक डसने से पाओगे मृत्यु आप। समाधि भंग करके ऋषिवर ने जब ये जाना, अपने पुत्र को भला बुरा कह श्राप है बखाना। एक छोटी सी गलती पर क्यों दिया मृत्यु का श्राप, बड़े दयालु राजा परीक्षित ना समझोगे आप। बड़े ही धर्मी तपधारी वो सतव्रत धारी है, राजा परीक्षित प्रजा पालक आज्ञाकारी है। अपने किए पर राजा परीक्षित फिर पछताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो इसका सब रस पान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रस पान। जय श्री हरि भक्तों, राजा परीक्षित स्वयं के द्वारा किए गए ऋषि के साथ दुर्व्यवहार पर पश्चाताप करने लगे और उस श्राप को स्वीकार करते हैं। राजा ने तत्काल इस संसार और अन्य जल आदि त्याग कल गंगा के किनारे जाकर बैठ गए और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। राजा परीक्षित को मिले श्राप की बात चारों ओर आग की तरह फैल गई। फिर क्या होता है आइए आगे सुनाते हैं। ऋषि वशिष्ठ अत्रि चमन भृगु आदि ने है जाना, गंगा के तट फिर तो सबका हो गया थाना। नारद वेद व्यास अगस्त्य दौड़ वहां आए, राजा ने ऋषि मुनियों को आदर से शीश झुकाए। बोले राजन हे मुनियों मुझको देना वरदान, सातवें दिन मैं पाऊं हरि के चरणों में स्थान। सभी ही मुनियों ने राजा की प्रशंसा है कि ठहरेंगे हम सात दिनों तक गंगा पर यहीं। सुखदेव तो अचानक वहां पे आ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो इसका सब रस पान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रस पान। राजा परीक्षित और ऋषियों का वार्तालाप चल रहा था, तभी वहां श्री सुखदेव जी आ जाते हैं। राजा ने सुखदेव जी को देखकर उनका आदर सत्कार कर शत शत नमन किया। राजा ने उनके दर्शन को खुद के लिए वरदान माना और राजा ने उनसे अपनी सारी करुणा गाथा कही। तभी राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से अत्यंत विनम्र शब्दों में कल्याण का मार्ग बताने का अनुरोध किया और राजा ने सुखदेव जी से दो प्रश्न किए। आइए सुनते हैं आगे की कथा। बोले राजन हे महामुनिवर मुझको बतलाओ,
सदा ही करने योग्य क्या है मुझको समझाओ। थोड़ी समय में मरने वाले क्या कर्तव्य निभाए, ऐसी युक्ति बताओ मुनिवर जो भवतर जाए। राजा परीक्षित को सुखदेव ने फिर है समझाया, बैठ के आत्म ज्ञान दिया और उनको बतलाया। पहला हुआ स्कंद समापन, द्वितीय भी आएगा। डीएस पाल श्रीमद् भगवत गा के सुनाएगा। मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से हर प्राणी मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो इसका सब रस पान, करता है ये कल्याण, करता है ये कल्याण, करो इसका सब रस पान। हम श्रीमद् भगवत पुराण की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम श्रीमद् भगवत पुराण की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, जब सुनो लगा के ध्यान। इस कथा की है पहचान, मिले मोह मांगा वरदान। भक्तों बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। राजा परीक्षित के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का विधिवत उत्तर देते हुए सुखदेव जी ने अपना कथन प्रारंभ किया। सुखदेव जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है और मुझे श्री कृष्ण की लीलाओं ने अपनी ओर आकर्षित किया, जिस कारण मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया और अब मैं तुम्हारी सच्ची निष्ठा देख यह ग्रंथ तुम्हें सुनाऊंगा। सुखदेव की मधुर वाणी सुन राजा परीक्षित के मायूस चेहरे पर मुस्कान आ गई। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बोले ऋषि मोह माया में सब भूल गया इंसान, खाना पीना नींद भोग में नहीं रहा कुछ ध्यान। किंतु सच्चा जीवन भगवान की ही भक्ति है, पाप हो जाते नष्ट है सारे मिलती मुक्ति है। बाकी जीवन धोखा निसा रहता है तो इंसान, क्यों मिला है मानो तन ये नहीं किसी को ज्ञान। ऋषि खटांग ने अंत समय है प्रभु को अपनाया, प्रभु की भक्ति के कारण फिर मोक्ष को पाया। फिर सुखदेव राजा परीक्षित को समझाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री हरि।
सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाते हुए बोले कि निकट आई मृत्यु को देख मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि वैराग्य रूपी शास्त्र से सांसारिक मोह माया को काट देना चाहिए। सुखदेव जी ने बताया कि विक्षिप्तता और एकाग्रता के लिए धारणा की आवश्यकता होती है। धारणा का विषय स्वयं भगवान है और संसार उनका विराट शरीर है। जैसे रसातल पैर, वक्षतल स्वर्गलोक, कुक्षी समुद्र तथा उनकी अस्थियां पर्वत समूह मानकर प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। जय श्री हरि। बोले मुनिवर मन की धारणा प्रभु कहे स्थान, इसी धारणा से ब्रह्मा ने सृष्टि को दी जान। साधक जब प्रभु के चरणों में ध्यान लगाता है, बंद नेत्रों में वह लाखों दृश्यों को पाता है। इन्हीं दृश्यों में भगवान है किंतु रूप अनेक, धीरे धीरे बन जाती छवि नारायण की ने। बोले मुनिवर हे राजन तुम तनिक न घबराना, इस धरती पर सबको आकर वापस है जाना। मोह माया मन त्याग के भक्त हरि को पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, सुखदेव जी कहते हैं जो योगी होते हैं वे वासनाओं का दमन, प्राण अपान, व्यान, समान आदि को नियंत्रित कर लेते हैं, परंतु प्रभु के दर्शन फिर भी दुर्लभ होते हैं। धारणा धारण करने से प्रभु के दर्शन सहज हो जाते हैं और साधक हरि के चरणों में स्थान पाता है। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि किस किस देवता की उपासना करने से क्या क्या कामना सिद्धि होती है, किंतु वास्तविक मुक्ति भगवान श्री हरि की उपासना से ही मिलती है। बोलिए जय श्री हरि। बोले मुनिवर किसी देव की ना कर जो चिंता, किंतु वो साधक नारायण से मुक्ति फल मिलता। करने से सत्संग तो साधक पाता दुर्लभ ज्ञान, साधु लाभ इंद्रादि की हो जाती है पहचान। श्री हरि की लीला के गाने से हो जाता उद्धार, इस लीला का सार बता दो बोले हाथ पसार। शौनिक जी की स्तुति सुन के बोले महर्षि वर, हे विप्रो श्री नारायण की कथा करो श्रवण। ज्ञान प्राप्त कर राजा मुनि को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की प्रशंसा की और आभार मानते हुए कुछ जिज्ञासाएं रखी। पहली जिज्ञासा, श्री हरि किस प्रकार सृष्टि पालन और संहार करते हैं। दूसरी जिज्ञासा, हरि अपनी लीलाओं के लिए किन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तथा तीसरी जिज्ञासा, श्री हरि प्रकृति के गुणों को पुरुष रूप में विविध कर्मों का संपादन करने के लिए एक साथ धारण करते हैं। सभी जिज्ञासाएं सुनने के बाद सुखदेव जी ने भगवान विष्णु की उपासना की, गान किया,
तत्पश्चात वे बोले, बोले मुनिवर हे राजन एक बात बताता हूँ, नारद जी ब्रह्मा जी का संवाद सुनाता हूँ। नारद बोले हे प्रजापति किसने रचा जहान, किस में लीन है आश्रित किस पर दे दो मुझको ज्ञान। कौन चलाए इस दुनिया को या खुद ही चलती, कहाँ से पाया ज्ञान आपने जो दुनिया रच दी। किसका जप तप किया आपने मुझको बतला दो, कौन है ईश्वर इस जगत का मुझको समझा दो। ब्रह्मा जी नारद जी को एक भेद बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, भक्तों लोक कल्याण की भावना से उत्पन्न प्रश्नों पर प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने पहले तो नारद जी प्रशंसा की, फिर बोले हे नारद मुझ में ईश्वरीय सत्ता विद्यमान है, किंतु मेरे ऊपर भी श्री नारायण ईश्वर रूप में स्थित हैं, उन्हीं की कृपा से सृष्टि पर प्रकाश हुआ, वेद देवगण स्वयं मैं भी तथा पृथ्वी द्रव्य कर्म काल आदि विष्णुमय है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विष्णु द्वारा रचित सृष्टि की उत्पत्ति का बखान विस्तार से करते हुए कहा कि हरि के मुख से ब्रह्मांड, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, तथा इसी तरह 14 भुवन, सप्तलोक, उनके निवासी आदि विष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा ने विष्णु अंगों की महिमा बतलाई, विराट पुरुष के यश वैभव की बात है समझाई। विराट पुरुष के ब्रह्मा देवी देवता है जन्मे, मानो दानो भूत पिशाचोर है ये कण कण में। ये ही ब्रह्मा बन कर के सृष्टि भी रचते हैं, रुद्र रूप धरि नारायण संहार भी करते हैं। विष्णु रूप में ये दुनिया का करते हैं पालन, आप अतीत दिव्य है माया है मेरे नारायण। नारायण की महिमा का हम पार न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं। हम कथा सुनाते हैं, भक्तों ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे नारद, नारायण की लीलाओं का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, कई वर्षों के तप पर मैं उनकी महिमा पूरी तरह जान नहीं सका हूँ, नारायण की कृपा से मुझे उनके परम तत्व का सूक्ष्म ज्ञान हो गया है, मैं जान गया हूँ कि विराट पुरुष भक्ति प्रिय हैं, इनको पाने का एक सरल तथा निश्चित उपाय है भक्ति मार्ग। इतना बतलाने के उपरांत ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवान नारायण के 24 अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया और कहा कि भगवान की शक्तियाँ विभिन्न अवसरों पर विभिन्न रूपों में प्रकाशित होती हैं। सृष्टि की रचना को ब्रह्मा मारीचि और बनाए, मनु और सम्राट रूप को नारायण ने पाए। सार न इस शक्ति का कोई महिमा अपरंपार, स्थिर करने आए धरात्री विक्रम ले अवतार।
उनकी महिमा परम भक्त भी ना ही जान सके। ध्रुव प्रहलाद जनक रघुना बजरंगी है टिके। हरि सर्वदा एक रस ज्ञान रूप गुणवान, शोक रहित आनंद स्वरूपा विष्णु जी भगवान। सुखदेव सदा राजा को बस एक बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, सुखदेव जी ने सूत जी तथा नारद जी का संवाद सुनने के बाद राजा परीक्षित ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रख समाधान की विनती की। परीक्षित ने पूछा, जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है? ईश्वर के अंदर और बाहर के भेद से ब्रह्मांड का क्या प्रमाण है? इसी प्रकार राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से अपनी 10 जिज्ञासाएं रखी। सुखदेव जी ने राजा की समस्त जिज्ञासाएं सुन वेद व्यास रचित तथा स्वयं का पढ़ा हुआ श्रीमद् भागवत पुराण सुनाया। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ये माया का खेल, माया जाल में फंसकर प्रभु से ना होता है मेल। आत्मज्ञान विष्णु ने खुद ब्रह्मा को बतलाया, ब्रह्मा जी से यह ज्ञान नारद ने फिर पाया। नारद से यह ज्ञान फिर तो वेद व्यास पाए, जिसके बाद में लोक हित आदेश है बतलाए। यह ज्ञान भगवत पुराण में फिर उत्पन्न हुआ, देख के विष्णु जी का रोम रोम प्रसन्न हुआ। आगे हम सृष्टि की रचना की बात सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों, सुखदेव जी बोले, एक समय ब्रह्मा आदि देव सृष्टि की रचना को तैयार हुए, तभी उन्हें तप शब्द की ध्वनि सुनाई और उन्होंने इसे ईश्वर का आदेश मान घोर तप किया, जिससे विष्णु जी प्रसन्न हुए और अपने दर्शन देने के साथ साथ दिव्य लोक के भी दर्शन करवाए और बोले, तप मेरा हृदय है और मैं तप की आत्मा हूँ, और तप से मैं सृष्टि की रचना संहार करता हूँ, और तप ही मेरी अमोघ शक्ति है, यही सत्य है। तभी विष्णु जी को प्रसन्न जान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना संहार तथा अन्य लीलाओं को करने का आग्रह किया। तभी ब्रह्मा जी की भक्ति को देख विष्णु जी बोले, हे ब्रह्मांड के रचना से पहले और रचना के बाद, स्थूल सूक्ष्म ना ही कुछ था जो तुम्हें बताता। इस सृष्टि में जो दिखता है वो मैं ही तो हूँ, प्रलय के बाद भी जो बचता है वो भी मैं ही हूँ। राहु केतु गगन ओनी ये मेरे रूप अनेक, कण कण में है वास हमारा, रहा हूँ मैं सब देख। दिव्य ज्ञान पाकर ब्रह्मा फिर तप में लीन हुए, पाकर हरि आदेश वो जग रचना में लीन हुए। राजन को सुखदेव सदा एक बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं,
हम कथा सुनाते हैं। ये कथा है बड़ी महान, सब सुनो लगा के ध्यान, इस कथा की है पहचान, दिल मोह मांगा वरदान। भक्तों प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, यह श्रीमद् भागवत पुराण विषयों वाला है, जैसे सर्ग प्रतिसर्ग स्थान पोषण मनवंतर उति मुक्ति तथा आश्रम है। भक्तों सुखदेव जी ने पहले विषय का वर्णन करते हुए बताया कि ब्रह्मांड को फोड़कर पानीय की सृष्टि की, नर से पैदा होने के कारण जल का नाम नार पड़ा, नार और जल में विष्णु का निवास है, जिस कारण उन्हें नारायण कहा जाता है। कई वर्षों तक विष्णु योग निद्रा में लीन रहे, एक समय में अनेक होने की इच्छा वेद कहे, अपने वीर्य के फिर विष्णु ने तीन खंड किए, अधिदेव अध्यात्म और अधिभूत नाम दिए, विराट पुरुष के हिलने डुलने से अनुभूति हुई, पुरुष के द्वारा कामेंद्रियां है तब उत्पन्न हुई, उसी समय कुछ देव थे प्रकटे लेकर के अभिमान, तभी हृदय और मन को बनाए विष्णु जी भगवान। आठ आवरण क्या थे भक्तों तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तों प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मेरे प्रिय भक्तों, हृदय तथा मन की उत्पत्ति हुई, इस प्रकार वह विराट पुरुष बाहर से पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्व और प्रकृति इन आठ आवरणों से ढका हुआ है, इसका एक सूक्ष्म रूप मन और वाणी से परे और अगोचर है, ये ही ब्रह्मा है, जिनसे प्रजापति मनु देवता गंधर्व अप्सरा नाग सर्प राक्षस पिशाच भूत प्रेत ऋषि आदि हैं, विविध योगियों की रचना भी हुई है। सदकर्मों से मिले योगियों और मिले सम्मान, स्वर्ग नरक की मिले योनियां और मिले भगवान, विदुर ने छोड़ दिया महलों को कथा सुनाई है, सूत जिन्हें सत्संग हुआ वो बात बताई है, श्री हरि की ये महिमा सारी वेद बताते हैं, डीएस पाल तो पावन गाथा गा के सुनाते हैं, दूजा ये स्कंध समापन तीजा आएगा, मुनेंद्र प्रेम जी सुमिर शारदा कलम चलाएगा, प्रेम तनय ये प्रभु शरण में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने से मानो तो मोक्ष को पाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।